वो भी प्रीति के बर्थडे पर। प्रीति को ये लाने वाली थी। ओह नो, मैंने तो तुझे बोला था ना। इसको बोला था ना, इसका मतलब वो घर पर ही है। अरे यार लेके आते उसको। One hour later. प्रीति को कुछ पता नहीं है। ठीक है। ये देखो वाह। एवेंजर की हीरोइन और की एक आंख में कट्टी और पट्टी और दिमाग में ये। ये ये तेरे पति का डेकोरेशन। ये। क्या हुआ? जरूर डेकोरेशन। ये क्या? ये ना। ये और इतना अच्छा केक 300 रुपए आधा किलो वाला केक लाए थे स्पेशली। चलो प्रीति अब जल्दी काट। सेलिब्रेशन क्या? काटते चलो। हैप्पी बर्थडे टू लिविंग लाइक अ वीआईपी जहाँ पे तू हमारी वीआईपी है। वेरी इडियट पर्सन, बर्थडे वाला इडियट पर्सन। ठीक है, तो तुझे क्या करना है? हमारे पास है एक एक अल्फाबेट्स, ठीक है, और तुझे उसके हिसाब से वीआईपी के ऑर्डर देने, मतलब तुझे पी से क्या चाहिए, आर से क्या चाहिए, आई से क्या चाहिए, टी से क्या चाहिए और आई से क्या चाहिए। 24 आवर में प्रीति हमें बताएगी कि उसको क्या क्या चीजें करनी है। अच्छा मतलब मैं जो बोलूंगी तुम लोग मुझे दोगे? पर इस लेटर के हिसाब से तेरे नाम पर हमने सोचा पी से तुझे पानी पूरी खिलाने लेके जाएंगे। चलो पानी पूरी पान डिसाइड हुआ था। पान? अच्छा पान, चलो ठीक है, चलो चलो तब प्रीति चलो आ जा। A few moments later. अरे मॉल के अंदर पान वगैरह सब मिल जाते हैं क्या अभी? अरे नहीं बाबा, वो तो हम मजाक कर रहे थे। हमने क्या सोचा कि तू पी नाम के कोई भी ब्रांड से जाके कितने की भी शॉपिंग कर सकती है। कुछ भी, हाँ, अभी सोच तुझे क्या लेना है। पैंटलून चलते हैं, पैंटलून मुझे ड्रेस लेना है। कपड़े मिलते हैं और वो भी सस्ते वाले। सस्ते 1000-1500 की चीज सस्ते नहीं। पागल है क्या? कुछ महंगा सोच, महंगा है 1500 सोच। तू बता पी नाम से कोई ब्रांड। मुझे एक ब्रांड मालूम है पीस है जहाँ पे महंगी चीजें मिलती है। चल 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 चल। तो अब प्रीति तेरे को पूमा से लेना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि पी एक तो पी से स्टार्ट होता है, पूमा ब्रांड, और इसमें एक सबका नाम आता है। पी फॉर प्रीति, यू फॉर उमेश, एम फॉर संकेत, ए फॉर अक्षदा। एम में किस हुआ? अरे मैड संकेत, एम फॉर मैड। बराबर लगा, दूसरा कुछ बोलेगा। दूसरा क्या? अच्छा छोड़, चल अब यही लेना पड़ेगा। चलो चल कुछ भी ले ले, जा कुछ भी ले जा। ये काम कर, एक काम कर, ये प्रीति इधर, ये देख ये शॉर्ट्स तेरे पे कितना मस्त लगेगा ना। ये शॉर्ट्स ले 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 ले। ये शॉट कितना अच्छा लग रहा है। ये भगवान, वो लड़कों की रख दी वहां पे। ये वाली कैप पहन। हां ये कैप ले ले, मस्त है एकदम यार। अच्छी है। हां दो शू के बॉक्स कहाँ से आ गए? अरे प्रीति का एक शू है ना राइट वाला, इसके अंदर रखा है, और नीचे वाले में लेफ्ट वाला रखा हुआ है। ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, दोनों इसके अंदर ही है। तो नीचे क्या है? नीचे वाला क्या है? अरे ये तो मेल वाले शूज है प्रीति, तू पहनने वाले ही है। नहीं ये नया बड़ा सही है, मुझे अच्छे भी नहीं लगे। एक सेकंड, ये उमेश, ये बहुत देर से बोल रहा था इसको शूज लेना है। तू क्या चांस मार रहा है क्या प्रीति के? अरे मैंने सोचा प्रीति की मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। ले रहे तो एक ले लेता ना, मेरे लिए भी आप प्लीज रख दीजिए। ये रख दीजिए बाजू में, सिर्फ इसका बिलिंग करना। पर जान दो तुम लोग की जैसा नहीं हूँ मैं, अच्छा दोस्त हूँ तुम्हारा। ये रो दे दे, चल कार्ड दे, मेरा कार्ड रखो और बिलिंग कर दो। चलो चलो बिल करो। एक मिनट, उमेश ने दिया उसका आधार कार्ड। हे भगवान, आधार कार्ड से बिलिंग करेगा? भाग गया वो। उमेश मुझे सपना दिखा के मत जा, अभी मुझे ही पेमेंट करना पड़ेगा।
हो गया बर्थडे गिफ्ट। अरे मुझे आज ऐसा लग रहा है कि काश मेरा नाम थोड़ा बड़ा होता, जैसे प्रीति कुमारी, चंद्रशेखर कुमार। तो बहुत ज्यादा गिफ्ट। वैसे अभी क्या बाकी है? अभी आर 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 रुक जाते जाते सोचते कि क्या। चलो A few moments later. ये तो अब है लेटर आर की बारी, और आर से हम क्या करने वाले हैं? आर से प्रीति को मिलने वाला है रिलैक्सेशन। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हम इतने अमेजिंग से सलून में लाए हैं। और सलून नहीं होते, वो सलोन होते हैं। देखा, हम जाते थोड़ी है, हम देहाती लोग नहीं, हम तो रोड पे बाल कटवाते हैं, हमको क्या पता सलून सलोन होता है। प्रीति के लिए हमने स्पेशल ब्यूटीशियन हायर किया है, और वो भी एक नहीं तीन ब्यूटीशियन है। Yes. यार बहुत खर्चा करो। तो पहला ब्यूटीशियन कहाँ से आने वाला बता? पहला आने वाला है पेरिस, दूसरा यूएस से, और तीसरा आने वाला है यूके से। वहाँ से पढ़ के आया हूँ। yes. तो पहले है यूके यानी कि उत्तराखंड का, जो कि हूँ मैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। फिर है यूएसए का यानी कि उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन की अक्षदा, और पेरिस का पाटिल। yes. संकेत पाटिल। तो हम तीन है तेरे आज के। मुझे लगता है ये मेरा लास्ट बर्थडे होने वाला है। तो अभी चलो पानी चालू करते नीचे से। अरे उमेश ऐसा लग रहा है कि तू वायलिन बजा रहा है, अच्छे से करना, ऐसे नहीं करते। अरे मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, मेरे तो यही फर्स्ट टाइम लाइफ में हाथ में पकड़ा। मैं इतनी रिलैक्स ना जिंदगी में कभी नहीं हुई। बस बस गया, बस। अरे ये तो लगा ले पूरा, ये पूरा लगा दे। नहीं चलेगा चलेगा, इतना ही चेहरा चलेगा मुझे। ओके रिलैक्स हो गया, हो गई रिलैक्स। इसको गिफ्ट बहुत पसंद है, बहुत 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 अच्छा लगा। पर प्रीति सच में तो अब अच्छी दिख रही है, पता है रिलैक्स होने के बाद। वो तो बाद में उन्होंने मेरा रिलैक्सेशन किया इसीलिए। जो भी हो, तो अब बता तुझे आई से क्या करना है। मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं आई से क्या करूंगी। ओके आज ना जवान मूवी रिलीज हो रही है। हाँ हमें तो बहुत एक्साइटेड है देखने का। मुझे देखने जाना है, और बाजू में ना इंदिरा थिएटर है, वहाँ पे जाएंगे। इंदिरा थिएटर, पागल है क्या तू? अरे वहाँ पे ना टिकट के साथ पॉपकॉर्न फ्री मिलता है। 150 रुपए की टिकट के साथ पॉपकॉर्न फ्री मिलता है, इसलिए वहाँ जाना है यार। हम महंगी वाली जाएंगे, इनसिग्निया। इंसिग्निया में तो मूवी के थिए वो आते ना स्टार्स लोग आते ना खुद की पिक्चर देखने के लिए। सबसे एक्सपेंसिव थिएटर लगा लगा जरा देख कितने की टिकट है। हां 1200 की टिकट है, बस इधर ही जाना है। 1200 मतलब 4800, और टोटल मिला के 5000 रुपीज। अरे इसमें तो हम अपने और खाने का अलग। चलो A few moments later. तो usually हम थिएटर में आते हैं तो हम खड़े रह के टिकट लेते हैं, बट यहाँ पे देखो वाओ, बैठ के कुर्सी में बैठ के ट्रीट करवाने के लिए। ओ माय गॉड, प्रीति तूने कभी इतनी एक्सपेंसिव मूवी देखी है? इतनी एक्सपेंसिव टिकट की मूवी देखी है? A few minutes later. ओ माय गॉड, संकेत बर्थडे की धीरे प्रीति को मार रहा है तू। चल चलो जल्दी चलो, चिंचर चालू हो गई है। तो फाइनली हम आ चुके हैं पिक्चर देखने के लिए। ये देखो ना यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे पूरा सोफा है, और एक्चुअली अच्छा सा जरा सोफा बता। देखो यहाँ पे ना कुछ सीट्स है, ये बटन दबाओगे तो क्या होगा? ओह गॉड, और देख अब पिक्चर देखते देखते अगर आपको नींद आ गई, दूसरा दबा, दूसरा वाला बटन दबा। ओह माय गॉड, मैं तो सो रही हूँ। हाँ बहुत ही महंगा। अरे प्रीति तेरा बर्थडे है रे, चलता है यार। वैसे भी संकेत की तरफ से है ये। तब तो और पार्टी लेंगे। जो भी खाना है दो मंगाना, जो भी ला रही हो दो लाना। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको बुलाता हूँ। और किसको बुलाता हूँ? मैंने 4-5 बार दबा दिए, 4-5 लोग आने वाले हैं साथ में। तो आपने कभी देखा है थिएटर के अंदर हमें पूरा मेनू का एक कार्ड मिला है, और इसमें अलग अलग डिशेस है। पॉपकॉर्न में देख के आया, छोटा नहीं बड़ा वाला पॉपकॉर्न ऑर्डर करना है, सबसे बड़ा वाला। यस सबसे बड़ा वाला पॉपकॉर्न ऑर्डर करना है, और पॉपकॉर्न के कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने के लिए भी कुछ। हाँ नाचूस, ओ वाओ संकेत तू कुछ खाएगा? प्राइस मैं प्राइस देख के खाऊंगा। अरे संकेत सस्ता ही है, 500 रुपीज का ही है, तुझे ही बिल भरना है, कोई बात नहीं।
One hour later. तो प्रीति पिक्चर कैसी लगी पहले तू ये बता इसे। अरे यार पिक्चर तो सच में बहुत अच्छी थी और थिएटर तो उससे भी अमेजिंग था और पैसे तो उससे भी ज्यादा थे। मुझे लगता है बहुत खर्चा हो गया अब बस करते हैं। अभी बाकी है। मेन खर्चा तो अभी है। टी आता है तो टी से हमने सोचा है कि तुझे ताज होटल में एक रूम लेके देखना। स्टेकेशन स्टेकेशन तो एक दिन पूरे ताज में रह सकते हैं। डीजे के बजाऊंगा और तू ताज होटल में मजा छुट्टी। 3, 2, 1 फाइनली ताज होटल में आ चुकी हूँ और मुझे ना सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अकेली यहाँ पे आई हूँ। वाओ इसकी लॉबी कितनी अमेजिंग है। रूम देखने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए इन्होंने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। वाओ यहाँ पे तो बाथटब भी है। उमेश तो बहुत मिस करेगा ये सारी चीजें। और यहाँ का व्यू, यहाँ से तो पूरी मुंबई दिखती है और स्पेशली ये समुंदर। अरे यार काश आज बारिश नहीं होती। आई होप आपको ये रूम अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी पूरा दिन, क्योंकि उमेश संकेत अक्षता होते तो पूरा दिन ऐसे ही टाइम पास में चला जाता था। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा खुद के लिए टाइम दूंगी, बुक रीड करूंगी, प्रॉपर्टी एंजॉय करूंगी, खुद को थोड़ा सा पैम्पर करूंगी, क्योंकि हेक्टिक लाइफ से हम खुद के लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते। तो इन तीनों ने मुझे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गिफ्ट किया है। चलो देखते हैं कि ये कैसा होगा। अभी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी और शाम को मैं थोड़ा सा होटल एक्सप्लोर करूंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं शाम को। लेटर दैट सेम इवनिंग। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो थोड़ा सा रेडी होता है, थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है। बड़े बड़े होटल्स में जाने का ना एक ही फायदा होता है, यहाँ पे ढेर सारा खाना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेज नॉन वेज में काफी ज्यादा ऑप्शन है। अरे यार यहाँ पे ना सच में उमेश और संकेत होने चाहिए थे, ये पूरा का पूरा ये लोग ही खत्म करते। अब मैं अकेले बैठ के आराम से अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। ये होटल का लॉबी ही कितना रिच है यार। मुझे भी आ रहा है। मुझे क्यों नीचे बुलाया? ये क्या कपड़े पहन के आ गई है तू? अरे तू ताज में तो थोड़ा लगना चाहिए। अरे यार इसका लॉबी की तो तेरा रूम तो कितना मस्त होगा यार। पूरा शूट किया है वो आपको दिखेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे कोई होटल में खाना खाने जाएंगे। यस मैंने तो खाना खा लिया। हो गया तेरा खाना? अरे इतने महंगे होटल में इतना पैसा देने के बाद क्या मैं बाहर का खाना खाऊं? नहीं, हम फिर भी तुझे ऐसे कुछ तो खिलाएंगे। ठीक है आराम करते। वहाँ पे ना एक चीज नहीं थी। क्या? आइसक्रीम। ओ हाँ, तो अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाएं, हमारी जिम्मेदारी। चलो चलो आइसक्रीम पार्लर तो आ चुके हैं, बट प्रीति तू कौन से फ्लेवर का आइसक्रीम खाएगी? मुझे ना आइए जब तक सोचती रहेगी ना यार। संकेत मम्मी ऑर्डर करते कोई मस्त वाला यार। ठीक है। हाँ। A few minutes later. My God, प्रीति क्या क्या खाएगी? मैं वही सोचूं कि देख पहले मैंगो स्पेशल आइसक्रीम मंगाई है हमने। मस्तानी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। ये स्ट्रॉबेरी कुल्फी है और इसमें ब्राउनी भी है। ब्राउनी भी है। My God. अभी ये ले ये खा। सब सारी चीजें तुझे खानी है। यस मैं अकेले ये सब खा जाऊं? नहीं तेरा बर्थडे है। चलिए ना मतलब थोड़ा हमें शेयर करेंगे। नहीं ठीक है चलो। मतलब एक्चुअली मैं इन तीनों को थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा बर्थडे सच में बहुत स्पेशल बनाया। बनाया नहीं, अभी बाकी है। ताज होटल में रहके सोना है तुझे। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि जो कल का दिन होगा ना वहाँ पे मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली है। मेरा बर्थडे का वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है, मेरा स्टे भी खत्म हो रहा है और मुझे जाना है अभी घर। तो मेरा ये बर्थडे बहुत ही यूनिक और हटके तरीके से सेलिब्रेट हुआ है। बहुत अच्छे गिफ्ट मिले, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक्स टू उमेश संगेत एंड अक्षदा। अभी मेरा चेकआउट का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ। तो आई होप कि आपने भी मेरा बर्थडे इंजॉय किया क्योंकि मैंने तो मेरा बर्थडे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब हमारे बीच बीच में वीडियो आएंगे, लेकिन मेरा बर्थडे वाला वीडियो तो साल में एक ही बार आएगा ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अब मैं जा रही हूँ घर और उमेश अक्षता को मिलने के लिए। तो बाय।